वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताती चलूँ, चैप्टर नंबर 1 to 15 हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ा, उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे बात की, स्कूल्स ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, एंड लास्ट में हमने फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को इन डेप्थ पढ़ा। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को डिस्कस किया, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन पे हमने बात की। उसके बाद हमने सेंसेशन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ा, फॉरगेटिंग पढ़ा, मेमोरी पे बात की, पर्सनैलिटी पे बात की, इंटेलिजेंस पे बात की। उसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ा, कंडीशनिंग पे बात की, ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके अलावा हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ा, इन्फेंसी को पढ़ा, अडल्टहुड को पढ़ा, अर्ली चाइल्डहुड को पढ़ा, एडोलेसेंस को पढ़ा, सारी चीज़ें इन डेप्थ हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे हैशटैग चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर में, वहाँ पे आपको सीरीज वाइज सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। 1 to 15 लेक्चर्स आप अटेंड करके किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 जो कि हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में। तो जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपने हिस्ट्री में से कोई ना कोई रेफरेंस जो है वो ज़रूर ऐड करना है। इससे एक तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि स्टूडेंट के पास नॉलेज है, दूसरा ये कि आपके अपने नॉलेज में भी इजाफा होता है और आप रेफरेंस जो है वो अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर हेल्थ साइकोलॉजी की बात करें तो थॉमस मैकियोन जो कि ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने एक बुक लिखी है रोल ऑफ मेडिसिन इन 1979 में, और उस पर उन्होंने बात की है कि 20th सेंचुरी में हमारी जो इलनेस है, हमारी बीमारी है, उसमें बिहेवियर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो थॉमस मैकियोन का ये कहना है कि जो हमारा बिहेवियर होगा ना वो डिसाइड करेगा कि हमारी हेल्थ कैसी है, हेल्दी पर्सनैलिटी है या फिर अनहेल्दी पर्सनैलिटी है। फॉर एग्जांपल बिहेवियर क्या है, एनीथिंग वी डू इज़ बिहेवियर। फॉर एग्जांपल वॉकिंग, ईटिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे बिहेवियर का पार्ट होती हैं। ठीक है, अब इसको अगर मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग क्या है, एक बिहेवियर है। अगर हम कॉन्टीन्यूसली स्मोकिंग करते रहते हैं तो एज अ रिजल्ट वो हमें किसकी तरफ लीड करेगा, कैंसर की तरफ लीड करेगा। माउथ कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो जो बिहेवियर है स्मोकिंग नेगेटिव बिहेवियर है, क्योंकि ये हमें बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, तो जो चीज़ हमें बीमारी की तरफ लेके जाएगी वो अनहेल्दी बिहेवियर होगा। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पे हमारे पास आता है ईटिंग, कि हम क्या फूड इनटेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो क्या होगा, स्टमक अपसेट होगा, हाइपर एक्टिव होंगे, जब ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी हेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लीडिंग टू डेथ हो जाएगी। ठीक है, यानी डेथ की तरफ आप आहिस्ता आहिस्ता लीड करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आप चीज़ें खा रहे हो, जो आप चीज़ें पी रहे हो, ये भी डिसाइड करती हैं कि आप हेल्दी पर्सनैलिटी है आपकी या फिर अनहेल्दी पर्सनैलिटी है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज क्या है, एक पॉजिटिव बिहेवियर है। जब आप वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, माइंडफुलनेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी लाइफ स्पैन जो है ना वो इंक्रीज होता है, क्योंकि आप मेंटली भी फिट होते हो और फिजिकली भी फिट होते हो। जब मेंटल हेल्थ सही है, फिजिकल हेल्थ सही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी लाइफ में डेज ऐड कर रहे हो जो कि आपको पॉजिटिव हेल्थ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ऑब्वियसली आपकी हेल्दी पर्सनैलिटी होगी तो आप ज़्यादा अरसे तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव बिहेवियर को चूज़ करोगे तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता या फिर हर दिन आप मौत की तरफ जा रहे हो। तो थॉमस मैकियोन का यही कहना था कि हमारा जो बिहेवियर होता है, जैसे हमने अभी बात की, स्मोकिंग है, ईटिंग है, एक्सरसाइज है, अगर ये चीज़ें हेल्दी होंगी तो हमारी पर्सनैलिटी हेल्दी होगी। अगर हम नेगेटिव बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो ऐसा ऐसा क्या होगी, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, और हमारा लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज होने की बजाय ऐसा ऐसा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने थॉमस मैकियोन की समराइज किया उसकी बुक का, उसमें उसने यही कहा कि हेल्दी बिहेवियर होगा हेल्दी पर्सनैलिटी होगी, अनहेल्दी बिहेवियर होगा तो अनहेल्दी पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, तो अब बिहेवियर एंड मोर्टेलिटी की या हेल्थ एंड मोर्टेलिटी की अगर बात करें, मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेट है। ठीक है,
पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होगा, नेगेटिव बिहेवियर होगा तो लाइफ स्पैन क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हमने बात की कि नेगेटिव बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे कैंसर होगा, डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन होगी, स्ट्रेस लेवल होगा, ये सारी चीज़ें क्या होगा आस्ते आस्ते आपको डेथ की तरफ लेकर जाएंगी। पॉजिटिव बिहेवियर होगा, एक्सरसाइज होगी, गुड फूड इंटेक होगी, फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, तो ऐसा ऐसा क्या होगा कि लाइफ स्पैन जो है वो आपकी इंक्रीज होती है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई बीमारी आती है, आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो अनहेल्दी बिहेवियर था वो वापस से हेल्दी बिहेवियर में चेंज हो रहा है। तो जब हेल्दी बिहेवियर में आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी तो आपकी लाइफ स्पैन जो है वो फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ड्रग पेशेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स लेते रहते हैं लेते रहते हैं, तो ऐसा ऐसा क्या होता है उनकी इंटरनल बॉडीज जो है वो सारी इफेक्ट होती है, जितने सिस्टम में वो इफेक्ट होते हैं ऑर्गेन्स उनके इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं लोगों का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ट्रीटमेंट करवाने का मकसद क्या होता है कि एक बार फिर से जो ड्रग्स लेने की वजह से उनका लाइफ स्पैन डिक्रीज हो रहा था, मेडिसिन लेने से, ट्रीटमेंट लेने से वो लाइफ स्पैन जो है वो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये रिसर्च है जो आप पेपर में एज अ रेफरेंस लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ हेल्थ बिलीफ। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। एट्रीब्यूट का मतलब है किसी भी चीज़ को, किसी को भी कोई चीज़ असाइन करना, क्रेडिट देना, ब्लेम करना। ठीक है, तो एट्रीब्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कहती है कि हम किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करके लोगों को उस चीज़ का क्रेडिट देते हैं, असाइन करते हैं या ब्लेम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उसके पुअर ग्रेड्स आते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन क्या है, बच्चा क्या कहेगा कि टीचर फेवरेटिज्म करती हैं, टीचर ने मुझे ग्रेड्स अच्छे नहीं दिए, टीचर जो है वो टीचर को मैं पसंद नहीं हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मेरे ग्रेड्स क्या हैं, पुअर आए हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि बच्चा इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की थी, मैंने टेस्ट की तैयारी नहीं की थी, इस वजह से मेरे पुअर ग्रेड्स आए हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं, एक में आप इन्वायरमेंट को ब्लेम कर रहे हो और दूसरा में जो है वो आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो एट्रीब्यूशन थ्योरी कहती है कि किस तरह से ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो कॉजेज ऑफ बिहेवियर को या इवेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ की एग्जाम्पल अगर हम लें, तो अब कुछ लोगों का ये कहना होता है कि डायबिटीज़ जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ है। तो जिन लोगों का ये बिलीफ होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनको डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनकी डायबिटीज़ हाई होती है या खाने से पहले भी वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो उनकी डायबिटीज़ है वो कहते हैं कि वो खुद नहीं कंट्रोल कर सकते, बल्कि डॉक्टर्स उनकी इंसुलिन को या डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सारा ब्लेम जो है या क्रेडिट जो है वो किसको दे दिया, डॉक्टर्स को और इन्वायरमेंट को दे दिया। तो जब आप किसी चीज़ का ब्लेम दूसरे लोगों को दे देते हो तो फिर आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके अपने नेगेटिव बिहेवियर की वजह से उनको डायबिटीज़ हो रही है। तो जब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनका नेगेटिव बिहेवियर उनको डायबिटीज़ की तरफ लेकर गया है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बीमारी से अवेयर होते हैं, उनको अपने इंटरनल सिस्टम के बारे में पता होता है, उनको अपनी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव डाइट के बारे में पता होता है, तो फिर एज अ रिजल्ट वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ मेडिकेशंस भी लेते रहते हैं। तो जब एक इंसान एक्सरसाइज शुरू करता है तो इसका मतलब है कि उसने इंटरनली अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है। तो जब कोई इंसान ये डिसीजन ले लेता है कि एक्सरसाइज करेगा तो डायबिटीज़ उसकी कम होगी, हेल्दी पर्सनैलिटी होगी, उसकी हेल्थ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, तो वो इंसान डायबिटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है एज कम्पेयर टू डैट पर्सन जो कि सारा ब्लेम इन्वायरमेंट को दे देता है। ठीक है, तो अगेन जो लोग इन्वायरमेंट को ब्लेम करेंगे अपनी डायबिटीज़ का, वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट होंगे, डॉक्टर्स को के बारे में कहेंगे कि वो हमें जो मेडिसिन देते हैं उससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि उनके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से डायबिटीज़ है, वो एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और वो खुद से अपनी हेल्थ पे काम करेंगे, अपने नेगेटिव बिहेवियर को
हेल्दी बिहेवियर में या पॉजिटिव बिहेवियर में कन्वर्ट करके अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है कंट्रोलेबिलिटी का, ठीक है। सेम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि लोग जो हैं वो ब्लेम जो है डॉक्टर्स को देंगे, जब डॉक्टर्स को देंगे तो डॉक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और दूसरे वो लोग हैं जो एक्सरसाइज करेंगे अपने अनहेल्दी बिहेवियर को डिक्रीज करके पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हेल्थ रिलेटेड वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब कंट्रोलेबिलिटी का फैक्टर क्या है, दो टाइप ऑफ है, एक होता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जिनका होता है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और जिन लोगों का एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना वो पूरे डॉक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इंसुलिन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई हेल्थ इश्यू आए तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने एक्सरसाइज की तरफ जाना है, आपने वॉक की तरफ जाना है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने माइंडफुलनेस करनी है। चाहे आपको फिजिकल इलनेस है चाहे आपको मेंटल इलनेस है, दोनों सिचुएशंस में एक्सरसाइज जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है, और पॉजिटिव जब रोल प्ले करेगी पॉजिटिव बिहेवियर होगा, पॉजिटिव पर्सनैलिटी होगी, हेल्दी पर्सनैलिटी होगी, और एज अ रिजल्ट आपका लाइफ स्पैन क्या होगा फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ कंट्रोल थे, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। अनरियलिस्टिक क्या है, जो रियल नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, और ऑप्टिमिस्टिक क्या है, पॉजिटिव होना, कि जो अनरियल हैं, जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उनको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना। फॉर एग्जांपल कि आपका अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म क्या है कि आप फास्ट फूड इनटेक कर रहे हो, ड्रिंक्स पी रहे हो, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक क्या है आप लोगों का बिहेवियर कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो पहले कभी कुछ नहीं हुआ और मुझे फ्यूचर में भी कभी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि अगर देखा जाए कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स ले रहे हो, पिज्ज़ा ले रहे हो, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में शुगर इनटेक कर रहे हो, तो आपकी आपका बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि आपका ये नेगेटिव बिहेवियर क्यों है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेगेटिव फूड इनटेक कर रहे हो तो नेगेटिव ही बिहेवियर होगा, अनहेल्दी पर्सनैलिटी ही होगी। वक्ती बेशक आप कहते रहो कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, आपको कुछ नहीं होता, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप रात के 1 बजे पिज्ज़ा मंगवाते हो, 2 बजे मंगवाते हो, 3 बजे मंगवाते हो, ड्रिंक्स मंगवाते हो, और आप इनटेक करते हो जाते हो करते जाते हो, एक टाइम आएगा कि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। तो जब ये बिहेवियर आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे तो आपका लाइफ स्पैन जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। रिस्क फैक्टर्स हमने अडॉप्ट किए हुए, रिस्क हमने अडॉप्ट किए हुए अपनी लाइफ में, लेकिन उनको लेके हम अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली स्मोकिंग करता जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बल्कि अब तो ये एक स्टेटस एक क्लास बन गया स्मोकिंग करना। तो वो बेशक जितना मर्जी कहता रहे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसका अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज़म है या रैशनल नहीं है, उसकी परसेप्शन नेगेटिव है या परसेप्शन जो है वो अनरियलिस्टिक है। क्योंकि स्मोकिंग करेंगे आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी, आप बेशक कहते रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। फास्ट फूड ले रहे हैं, आप बेशक कहते रहे हैं आपको वक्ती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेटर ऑन आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ सही होती हैं, आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि जो आप इरेशनल थॉट्स रखते हैं अपनी सेहत को लेकर, अपने बिहेवियर्स को लेकर, आपको आपने उसको रैशनल बनाना है, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर नहीं लेनी, ज़्यादा क्वांटिटी में फास्ट फूड नहीं खाना, ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं पीने, ठीक है। अगेन अगर वक्ती तौर पे आपको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लेटर ऑन आपकी लाइफ इन चीज़ों से ज़रूर इफ़ेक्ट होती है। तो कोशिश करनी है कि पॉजिटिव बिहेवियर्स को अपनाएं, स्मोकिंग को क्विट कर दें, हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, और एक्सरसाइज करना ना भूलें, ठीक है। एक्सरसाइज जब भी कोई बीमारी आती है, चाहे मेंटल हेल्थ है चाहे फिजिकल हेल्थ है, आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस दिन का वेट करना शुरू कर दो कि कब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो, फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब हो, और आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो टाइम ज़ाया करने की बजाय अभी से एक्सरसाइज करो, माइंडफुलनेस करो, मेडिटेशन करो, नेचर में जाओ, नेचर को इंजॉय करो, हाइकिंग करो, लेकिन इन पॉजिटिव एटीट्यूड को लाजमी अपनाओ। जब पॉजिटिव बिहेवियर्स होंगे तो आपका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है।
एक बार जाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, हाइकिंग पे जाओ और जाके देखो कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ की क्या कंडीशन है, ठीक है। बज़ाहिर शायद आपको लग रहा हो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जब आप चलेंगे, फिरेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है। तो कोशिश करनी है हेल्दी बिहेवियर्स को अपनाएं और नेगेटिव बिहेवियर्स जो हैं उनको कम कर दें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हेल्थ बिलीफ एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म को हमने डिस्कस किया। अब कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।